नमस्कार दोस्तों, आज मैं अपने वीडियो के जरिए बताने जा रही हूँ, धनतेरस पर ना खरीदे ये सामान, घर परिवार हो सकता है बर्बाद। प्यारे दोस्तों, धनतेरस पर खरीदारी करने की परंपरा और मान्यता दोनों है। सदियों से ये रीत चली आ रही है। देवी लक्ष्मी की तरह ही भगवान धन्वंतरी भी सागर मंथन से उत्पन्न हुए हैं। भगवान धन्वंतरी जब प्रकट हुए थे तो उनके हाथ में अमृत से भरा कलश था, इसीलिए इस अवसर पर बर्तन खरीदने की परंपरा वर्षों से चली आ रही है। धनतेरस के दिन सोने और चांदी के बर्तन, सिक्के और आभूषण खरीदने की परंपरा रही है। सोना सौंदर्य में वृद्धि तो करता ही है, साथ में मुश्किल घड़ी में संचित धन के रूप में भी काम आता है। कुछ लोग शगुन के रूप में सोने या चांदी के सिक्के भी खरीदते हैं। यह भी कहा जाता है कि इस दिन धन यानी वस्तु खरीदने से उसमें 13 गुना वृद्धि होती है। लोग इस दिन ही दिवाली की रात पूजन के लिए लक्ष्मी व गणेश जी की मूर्ति भी खरीदते हैं। लोक मान्यता है कि इस अवसर पर धनिये के बीज खरीदकर भी लोग अपने घर में रखेंगे तो उनके घर में माँ लक्ष्मी की कृपा बनी रहेगी। ऐसी जनश्रुति है कि इस दिन सूखे धनिये के बीज खरीदकर घर में रखना भी परिवार की धन संपदा में वृद्धि करता है। दिवाली के दिन अगर आप पूजन में धनिये के बीज को रख के उसके पश्चात दिवाली के दूसरे दिन अपने बाग बगीचों या खेतों में इन्हें बोते हैं तो ये बीज उन्नति व धन के वृद्धि के प्रतीक बन जाते हैं। बदलते दौर के साथ लोगों की पसंद और जरूरत भी बदली है। कुछ लोग धनतेरस के दिन विलासिता से भरपूर वस्तुएं खरीदते हैं तो कुछ जरूरत की वस्तुएं खरीदकर धनतेरस का पर्व खुशहाली पूर्वक मनाते हैं। वैश्वीकरण के इस दौर में भी लोग अपनी परंपरा को नहीं भूले हैं और अपने सामर्थ्य के अनुसार यह पर्व मनाते हैं। धनतेरस के दिन वाहन खरीदने का फैशन सा बन गया है। लोग इस दिन गाड़ी खरीदना शुभ मानते हैं। कुछ लोग मोबाइल, कंप्यूटर और बिजली के उपकरण इत्यादि भी धनतेरस पर ही खरीदते हैं। धनतेरस शुक्रवार को आ रही है, इसीलिए हीरा और चांदी खरीदना शुभ होगा। सोना लेने की इच्छा है तो आप बिस्कुट खरीदे, ये आपके लिए लाभ प्रदान करेंगे। धनतेरस पर ना खरीदे ये सामान, घर परिवार हो सकता है बर्बाद। शीशे का संबंध सीधा राहु से है, इसकी खरीदारी से बचे अगर शीशा खरीद भी रहे हैं, क्योंकि अगर आपको काफी परेशानी हो रही है और आपको ये खरीदना बहुत जरूरी है तो आप पारदर्शी शीशा ही खरीदे। धुंधला शीशा खरीदने से आपके जीवन में कई प्रकार के संकट आ सकते हैं। कांच का सामान खरीदना भी निषेध माना जाता है, क्योंकि ये भी राहु का प्रतीक है। एल्युमिनियम के बर्तन ना खरीदें, यह ऐसी धातु है जिस पर राहु का आधिपत्य होता है। लगभग सभी शुभ ग्रह इससे प्रभावित होते हैं, इसी कारण एल्युमिनियम का प्रयोग पूजा पाठ और ज्योतिष की दृष्टि से नहीं किया जाता। एल्युमिनियम का प्रयोग वास्तुशास्त्र, स्वास्थ्य और ज्योतिष की दृष्टि से अत्यधिक हानिकारक माना जाता है। अगर आप इस दिन एल्युमिनियम के बर्तन खरीदते हैं तो आपके घर परिवार पर किसी भी प्रकार का कोई संकट आ सकता है। नुकीला सामान जैसे चाकू, कैंची, छुरी और लोहे के बर्तन खरीदने से भी बचे, क्योंकि इसके कारण भी घर परिवार पर किसी भी प्रकार का कुप्रभाव पड़ सकता है। धनतेरस के दिन कौन सी चीजें खरीदें? माँ लक्ष्मी और गणेश जी की मूर्ति। अगर आप धनतेरस के दिन भगवान श्री गणेश जी और महालक्ष्मी जी की मूर्ति खरीदकर अपने घर पर लेकर आते हैं तो इससे आपके घर में धन संपत्ति का आगमन होता है, इसलिए आप इनकी मूर्ति को घर पर लाना ना भूलें। यदि आप इन दोनों की मूर्ति खरीद कर लाते हैं तो पूरे साल घर में धन की कमी नहीं रहेगी। प्यारे दोस्तों, सोना चांदी और धातु की चीजें। अगर आप धनतेरस वाले दिन सोना चांदी या फिर किसी धातु से बनी हुई चीज खरीद कर लेकर आते हैं तो इससे आपकी किस्मत में काफी वृद्धि होती है। धनतेरस के दिन धातु से बनी चीजें और सोने चांदी के गहने खरीदना शुभ माना गया है। अगर आप इस दिन यह चीजें खरीद कर लाते हैं तो आपके घर में हमेशा माता लक्ष्मी जी का वास बना रहेगा। झाड़ू खरीद कर लाएं। आप सभी लोग जानते ही होंगे कि झाड़ू को लक्ष्मी माँ का प्रतीक माना जाता है। अगर आप धनतेरस वाले दिन नया झाड़ू खरीद कर घर पर लाते हैं और दीपावली के दिन इस झाड़ू की पूजा करते हैं तो ऐसा माना जाता है कि इससे नकारात्मक शक्तियाँ घर से बाहर चली जाती है और साफ सुथरे घर में धन की देवी माँ लक्ष्मी का आगमन होता है। शंख खरीद कर लाएं। आप धनतेरस वाले दिन
शंख खरीदकर घर पर लाएं और दीपावली की पूजा के दौरान इसको बजाएं। इससे आपके घर में लक्ष्मी जी का आगमन होगा और जो भी नकारात्मक शक्तियां हैं उनके प्रकोप से आपके घर को हमेशा बचाया जा सकेगा, क्योंकि शंख सुख समृद्धि और शांति का प्रतीक माना जाता है। धनतेरस वाले दिन धन के देवता कुबेर की पूजा भी करनी चाहिए, इसका भी खास महत्व है। कुबेर देवता की मूर्ति को घर पर अवश्य लाएं। धनतेरस वाले दिन धन के देवता कुबेर की पूजा का खास महत्व माना जाता है। अगर आप धनतेरस के दिन कुबेर देवता की मूर्ति या तस्वीर खरीद कर लाते हैं और इसकी पूजा करते हैं तो इससे आपको बहुत ही अच्छा लाभ प्राप्त होगा। आपके जीवन में कभी भी धन की समस्या नहीं रहेगी। पूजा करने के पश्चात आप इस मूर्ति को अपनी तिजोरी में स्थापित करें। ऐसा करने से आपको धन धान्य की प्राप्ति होगी, साथ में जो भी व्यापार में काम बिगड़ रहे हैं वो सभी सुधर जाएंगे और आपका व्यापार दिन दुगनी रात चौगनी उन्नति करेगा। प्यारे दोस्तों, अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो आप लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद।